जरूरी काम छे, बहुत जरूरी काम छे। हाँ तो आई जाओ, घर छे। हाँ आई रही। दीदी दीदी हाँ ज्योति आई गई तू ज्योति? हाँ चला बैठी ना अपन बात करा। हाँ बैठी जा दीदी, तुम्हारा से जरा काम से मुख जरूर। काई जरूरी काम से बोल ने। अब तुम तो काई बताओ, पर काम से मुख तुम्हारा से जरूरी। कई छुपाई रही? नहीं ऐसी तो कई बात नहीं है, पर जरूरी काम से। काई जरूरी काम बता ने। मुख तुम्हारा से जरा 501 रुपया उधार दे। क्यों काई ऐसे जरूरी काम आएगा? मारो बच्चो बीमार छे बहुत। अरे 20 दिन पहले भी तो बीमार था। मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम्हारा से बार बार पैसा ले लो, फिर भी आप काई करो, बच्चा की तकलीफ देखने जा रही। अच्छा तो बच्चा का बताओ ना। हाँ अच्छा तो अगर अस्पताल ले जाने का है। हाँ ठीक छे, तो लाई करना दे उन्हें। हाँ लई पैसा एक बार अच्छा डॉक्टर का बताए के ना मुझे। अब बार बार क्यों बीमार पड़े जे? हाँ और तू घर पर मिलेगा? हाँ दोपहर में मिलूंगा दीदी, अभी तो हम बच्चा का अस्पताल में ले जाऊँ। हाँ ठीक छे, फिर हम आऊँ जे ने। हाँ ज्योति। हाँ दीदी आओ ने। हाँ पानी लाओ तुम्हारा लिए। नहीं नहीं तू पानी करन दा। हाँ एक दीदी से तुमका तुका मिलाओ ना ले चलो। कौन दीदी? एक दीदी छे उनका से मिलाओ ना तुम तुका ले चलो यहाँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते। हाँ पुष्पा भाभी तुम यहाँ कैसा? अरे ये ज्योति वो बच्चों बीमार हुई गो थो तो हाँ ये का मिलाओ ना तुम्हारा सिलाई रही। अच्छा हुई हो तुम यहाँ मिली गया। हाँ चलो अच्छा ठीक है, ये ज्योति एकार से बात कर लो। हाँ हाँ चलो तो फिर इनका से बात कर ले। चलो पुष्पा भाभी अपन बैठी ने बात करांगा। हाँ चलो दीदी, ज्योति को बच्चों बार बार बीमार पड़ी जाए। अच्छा ज्योति का तुम्हारे पास वो समझाइश दिलाना का लेन लाई। अच्छा तो आप एक जरा समझाई दो। हाँ क्यों क्यों ज्योति का ही बात है? वो मारो बच्चों बार बार बीमार पड़ी जाए तो वो खास भी जरा बात जरूरी उनका बारे में बात। अपन बच्चा को रोज नहलाना चाहिए, उनकी कटिंग करवाना चाहिए, उनका नाखून देख लो कि अगर नाखून में मेल तो नहीं है, उनका नाखून ना का काटना चाहिए, अपना घर की भी थोड़ी बहुत साफ सफाई रखना चाहिए अपन। तो एकासी भी बच्चों बार हाँ एकासी भी बच्चों बार बार बीमार पड़ी जाए, थोड़ा बहुत अपना घर में साफ सफाई को ध्यान रखो ना, बच्चा का जैसे खाना खिलाओ तो खाना खिलाने से पहले भी हाथ अच्छा साबुन से धुलाओ और खाई लेके होगा बाद में भी होगा हाथ धुलाओ तुम, और सोच करना जाओ तो वहाँ भी चप्पल पहनी ना जाओ और वहाँ से आने के बाद में अच्छा साबुन से हाथ धोना चाहिए। और बच्चा तो हाँ बहुत ध्यान रखू बच्चा का, पर काय मालूम वो बीमार पड़ी जाए। अरे दीदी एक ही बात ना, हाँ अभी गई थी तो गोबर है ना हेड़े डोर न को न वसी जायकन मेरा पास बैठी गई, नहीं का घर में भी गंदगी थी, करनो कहीं नहीं है घर का कामकाज का साथ साथ बच्चा ना की साफ सफाई को भी ध्यान रखनो। तू का बच्चा का संभालू का घर का संभालू कहीं नहीं समझ पड़े ना, बच्चा काम बार बार बीमार पड़ी रहे। वो तो सब ठीक छे पर थोड़ा घर की भी ध्यान रखना चाहिए जैसे साफ सफाई का बारे में। ज्योति थोड़ी बात का समझो पड़ेगा, थोड़ा बहुत अपन का घर को ध्यान रखना पड़ेगा, अगर नहीं बच्चा को ध्यान रखोगे तो बच्चों ज्यादा कुपोषित हो जाएगा। देखो बार बार बच्चों बीमार पड़ा कर्जो लो, कर्जो भी तुमको देना पड़ेगा, एकासे थोड़ा बहुत अपने घर को भी साफ सफाई को भी थोड़ा बहुत ध्यान रखो, दो ही जन बच्चा का बदले दो ही परेशान रहो, थोड़ा बहुत अपना घर को भी बच्चा को भी ध्यान रखना चाहिए अपन। हाँ दीदी तुमने मुख बात बताई वो कल से हाँ ध्यान रखूंगा। नहीं नहीं कल से नहीं वो आज से और अभी से वो बात का ध्यान रखो ध्यान रखो और साफ सफाई के बारे में पूरी बात का ध्यान रख जो ध्यान रखो। हाँ तो अभी से ध्यान रखूंगा। हाँ ज्योति आई
दिले तुम्हारा पैसा। पैसा क्यों? अब मारो बच्चो ठीक हुई गो तो अब दिले तुम्हारा पैसा। अच्छा हुई गयो। हाँ धन्यवाद दीदी। चलो अच्छा। अपनावना वाला मुख्य बिंदु नना। खाना बनाउना, खाना परोसना, खाना खाना और सोच का बात, साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोवांज। बाळक न को रोज ना वाड़न, दांत में मंजन न ब्रश करवावा, बाल न में कंगी करा और वका साफ कपड़ा पहनावा। बाळक का हमेशा ताजो खानो खवाड़ा न खाना का साफ जगह पर ढाके न रखा। घर में रोज झाड़ू लगावा, जूठा बर्तन बाहर रखान, घरेलू जानवर न का घर से थोड़ी दूरी पर बांधन, जगह से मक्खी न घर में प्रवेश नहीं करा। खाना बनाना न खाना खान का बर्तन न का हमेशा धोई न साफ करी न सुखाई न उपयोग में लावा, न खाना और पेड़ को पानी ऊंचाई पर रखांज।